हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपको जो मेरी पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो गाइस, आज की वीडियो जो है मैं बिगनर्स के लिए लेके आया हूँ। बिगनर्स को जो है शेप्स की प्रैक्टिस और जो लाइन्स की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइज, मैं आपको जो है बताता हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन्स की जो है प्रैक्टिस करनी है। आप जो है पैरेलल लाइन खींचने की जो है कोशिश करना, एकदम बिल्कुल सीधी इस तरह से। गाइज, अभी तो जो है मैं 4B जो है पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप जो है लाइट से लाइट जो है पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। आप जो है इस तरह से जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे जो है आपका जो है पेपर पे और जो है आपकी ड्राइंग पे जो है कॉन्फिडेंस बना रहेगा। इस तरह से जो है आप वर्टिकल लाइंस की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लाइट से लाइट जो है पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो है आपको जो है वर्टिकल लाइंस की जो है प्रैक्टिस करनी है। तो गाइज, मैंने तो काफ़ी जो है आपको जल्दी जल्दी करके दिखाया है, आपको इतनी जल्दी जल्दी नहीं करना है। आपको जो है आराम से जो है इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है। तो गाइज, ये तो हो गई अपनी जो है वर्टिकल लाइंस। उसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब अपन जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस की जो है प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम काफ़ी इजीली बना ही लेते हैं। इसको भी अपन जो है पैरेलल बनाने की जो है कोशिश करेंगे बिना रुके। गाइज, आपको जो है इसकी भी जो है प्रैक्टिस करनी है। ये वाली लाइन्स जो है आप गाइज इजीली से आप बना सकेंगे। जो है आपको जो है इस तरह से जो है लाइन्स की जो है बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद गाइज जो है अपन को जो है पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, कुछ इस तरह से। अब हम सीखेंगे जो है डायगनल लाइन कैसे बनाते हैं। उसको भी हमको जो है पैरेलल खींचनी है। इस तरह से जो है आप पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। स्टार्टिंग में गाइस आपसे जो है कुछ इस तरह से नहीं लग पाएगी, जो है टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। तो जो गाइस आप जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपसे जो है अच्छे से जो है लाइन बनने लग जाएगी। डायगनल अब गाइज हमको जो है अपन को जो है इधर से वापस जो है लाइन लगानी पड़ेगी, इस तरह से जो है आप जो है लाइन की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायगनल की आप जितनी ज़्यादा जो है डायगनल की लाइन की जो है प्रैक्टिस करेंगे, उससे क्या है आपका हर तरह से जो है आपका हाथ जो है बैठ जाएगा कि हाँ कि अपना जो है हाथ किस तरह से अपन को जो है ड्राइंग में बैठाना है। हर एंगल से जो है अपना हाथ अच्छे से चलेगा इस लाइन प्रैक्टिस से। तो गाइज, इस वाले पॉइंट से अब जो है अपन लाइन की प्रैक्टिस करेंगे कुछ इस तरह से। इस वाले पॉइंट से आप जब लाइन लगाएंगे तो जो है आपसे सीधी नहीं बन पाएगी, मेरे से भी नहीं बन पाती है, कुछ थोड़ी बिगड़ जाएगी आपसे भी लाइन। पर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो है आपसे अच्छे से जो है लाइन बनने लग जाएगी। तो गाइज, आप इस तरह से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और होती है अपनी जो है होती है रिदमिक लाइन होती है, जो गाइज इस तरीके से होती है। इस तरह से जो है आप
हमारा जो मेन गोल होना चाहिए वो पेंसिल को बिना उठाए जो है हमें लाइन खींचनी है। अब इसको भी जो है पैरेलल लाइन खींच सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है गाइस, इस तरह से जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। और होती है गाइस जिगजैग लाइन कुछ इस तरह से, इसका भी जो है हम कई बार इस्तेमाल में आता है कि ड्राइंग के अंदर कहीं पे जो है जिगजैग लाइन बनाने के लिए। इस तरह से जो है आप जिगजैग लाइन की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा आप इस तरह जो है गैप देके जो है आप बना सकते हैं जिगजैग लाइन। इसके बाद गाइस स्पाइरल लाइन आती है, ये जो होती है इम्पोर्टेंट होती है, इसकी तो आप जो है खूब प्रैक्टिस कीजिएगा स्पाइरल लाइंस की कुछ इस तरह से। अब बात करेंगे गाइस अपन शेप्स की, सारे शेप्स की अपन जो है अब बात करेंगे। तो गाइस शेप्स की प्रैक्टिस करना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जो है शेप से ही हम जो है हर तरह की ड्राइंग और जो है स्केचिंग जो है बनाते हैं। स्टार्टिंग में जो है आपको जो है लाइन प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जो है आपको जो है शेप्स के ऊपर आना है। कुछ इस तरह से जो है आप जो है शेप्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे पूरे बॉक्स आप बना सकते हैं पूरे पेज पे। इस तरह से आप जो है सर्कल बना सकते हैं, इस तरह से आप सर्कल इस तरह से भी बना सकते हैं। वैसे सर्कल की प्रैक्टिस करना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो है इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ही कम है। आप इसकी जो है प्रैक्टिस खूब लगातार कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये जो है स्केच बनाने में और ड्राइंग्स बनाने में जो है सर्कल का जो है इम्पोर्टेंट बहुत है। आप कुछ इस तरह से जो है रेक्टेंगल का भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसको जो है अलग अलग डिफरेंट एंगल में भी जो है बना सकते हैं कुछ इस तरह से। आप जो है इस तरह से बॉक्स भी बना सकते हैं, इसको जो है इस तरह से भी बना सकते हैं। तो गाइस जो है स्केचिंग और ड्राइंग के अंदर जो है शेप्स और लाइंस का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जो है इसी तरह से जो है शेप्स और लाइंस की जो है प्रैक्टिस करनी है। सो गाइस आप भी इसी तरह से लाइंस की और शेप्स की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे लाइंस की और शेप्स की, तो आप जो चीज़ ऑब्जेक्ट जो आप बना रहे हैं, जो चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो है आसानी से आप जो है बना सकेंगे। आई होप गाइज आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेडिंग के ऊपर। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।